कोयला नगरी धनबाद में आज क्या कुछ खास रहने वाला है दिन भर, इस पर अधिक बात करने के लिए धनबाद से हमारे संवाददाता प्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, आज दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला है धनबाद में? सबसे पहली हलचल तो ये है कि यहाँ पर लोकसभा सीट से बीजेपी अपने प्रत्याशी की घोषणा क्या करने वाली है, किसका नाम सामने वाला, इसको लेकर के हर जगह नुक्कड़ चौराहे पर चर्चा हो रही है, लेकिन और भी क्या दिन भर कुछ होने वाला है इसकी जानकारी दे। ये बिल्कुल अनिकेत, सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि लोकसभा चुनाव का पहला लिस्ट जो बीजेपी की ओर से जारी किया गया था उसमें धनबाद, चतरा और गिरिडीह का नाम जो था प्रत्याशी का वो नहीं था, जिसे लेकर कोतूहल का विषय बना हुआ है। हर चौक चौराहे पर, हर चाय दुकान पर, हर जगह सिर्फ चर्चा ही चर्चा हो रही है कि आखिर बीजेपी इस बार लोकसभा सीट के लेकर किसे प्रत्याशी अपनी बनाती है। लेकिन जिस प्रकार से अनुमान लगाए जा रहे हैं कि कई हो सकता है कि नए प्रत्याशी इस बार धनबाद लोकसभा सीट को मिले या फिर पीएन सिंह पर ही दाव खेला जाएगा, यह भी कोतूहल का विषय बना हुआ है। क्योंकि बीजेपी के द्वारा लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी जानकारी हासिल नहीं हो पा रही है और यही कारण है कि धनबाद सीट को लेकर कोतूहल का विषय बना हुआ है। हमारे कांग्रेस के भी कुछ नेताओं से बात हुई है, उनका कहना है कि कांग्रेस अगर बीजेपी धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह को टिकट नहीं देती है, किसी अन्य को देती है, तो हो सकता है कि कांग्रेस पीएन सिंह पर दाव खेल सकती है, पीएन सिंह को अपने पाले पे ला सकती है। क्योंकि ये लगातार देखने को भी मिल रहा है कि जो बीजेपी से नाराज हैं या बीजेपी जिन्हें टिकट नहीं दे रही है उन लोगों को कांग्रेस जोड़कर टिकट दे रही है, तो ये भी कोतूहल का विषय बना हुआ है। ये भी चर्चाओं का बाजार जो है वो पूरी तरह से गर्म है, इसलिए कांग्रेस भी अपनी प्रत्याशी का जो घोषणा है वो नहीं कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि पहले बीजेपी अपनी प्रत्याशी का घोषणा कर दे, इसके बाद हम अपने प्रत्याशियों का घोषणा करेंगे। तो देखने वाले बात होगी कि किसे इस बार टिकट मिल पाता है धनबाद लोकसभा सीट को लेकर, क्योंकि कई सारे उम्मीदवार जो हैं वो दिल्ली के दर्शन कर चुके हैं, दिल्ली में दरबार में जाकर अपनी हाजिरी लगा चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि हो सकता है कि इस बार पीएन सिंह का टिकट कट जाए, क्योंकि उन्हें होल्ड पे रखा गया है और यही कारण है कि लोग जो है यहाँ चर्चा कर रहे हैं। कोतूहल का विषय बना हुआ है धनबाद लोकसभा सीट, क्योंकि बीजेपी कि ये सीट मानी जाती है, बीजेपी के लिए ये सेफ सीट माना जाता है और इसलिए ये सीट आज हॉट बना हुआ है, क्योंकि कई नए दावेदार जो हैं धनबाद से वो दिल्ली में जाकर डेरा डाले हुए हैं, दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से जाकर मुलाकात कर रहे हैं और टिकट की उम्मीद लगाए हुए हैं। तो ऐसे माना जा रहा है अनिकेत कि जल्द ही, आज हमारे जो सूत्र हैं वो हमें बताते हैं कि आज कहीं ना कहीं इस धनबाद का जो सस्पेंस बना हुआ है लोकसभा टिकट 2024 को लेकर, वो उस सस्पेंस से आज पर्दा उड़ जाएगा। प्रकाश, आपने बड़ा ही दिलचस्प बात कही, तो यहाँ पर जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है पीएन सिंह को तो कांग्रेस उन्हें अपने साथ ला सकती है, कहीं ना कहीं बड़ा दिलचस्प बात है। इसी के लिए कांग्रेस शायद वेट एंड वॉच कर रही है कि पहले बीजेपी अपना प्रत्याशी की घोषणा करे, उसके बाद हम करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर पीएन सिंह को टिकट नहीं मिलता है और वो कांग्रेस से लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं यहां पर समीकरण बिगाड़ सकते हैं पीएन सिंह। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि अगर बीजेपी से पीएन सिंह को टिकट नहीं मिलता है और कहीं वो कांग्रेस के पाले में जाकर बैठ जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी का समीकरण जो है वो पूरी तरह से बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। क्योंकि धनबाद लोकसभा सीट के लिए पीएन सिंह की जो छवि है वो काफ़ी साफ सुथरी छवि है, मिलनसार व्यक्ति है, तो ऐसे में बीजेपी से लगातार वो जीतते आ रहे हैं और भारी अंतरों से जीतते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 50 और 25,000 वोट बल्कि लाखों के ऊपर का वोट उन्हें जीत मिली है, लाखों वोटों से उन्हें जीत मिली है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कांग्रेस के ओर से। लेकिन आपने कहा कि वो काफी मिलनसार है, आपने अभी कहा कि वो काफी मिलनसार है, लोगों से घुल मिल कर रहते हैं, लोग जहां भी बुलाते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन लोग उन पर आरोप भी लगाते हैं और नाखुश भी है धनबाद की जनता, क्योंकि जिस तरीके से निशिकांत दुबे एम्स ले गए, देवघर एयरपोर्ट ले गए, तो लोग कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर उनसे नाराज है और लोगों का कहना है कि यहां से जिसे भी अगर बीजेपी टिकट देती है बीजेपी का सेफ सीट है, बीजेपी जीत जाएगी, तो कहीं ना कहीं लोग उनसे नाखुश है। अगर वो कांग्रेस में जाते हैं तो क्या जो धनबाद की जनता है या फिर उनके जो समर्थक है वो उनको सपोर्ट करेंगे, क्या फिर बीजेपी जिन्हें यहां पर प्रत्याशी बनाएगी लोग उनके साथ जाएंगे?
देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि पीएन सिंह से आम जनता जो है धनबाद वासी जो है वो नाराज हैं, क्योंकि धनबाद की अगर हम बात करें तो धनबाद एक विकसित शहर के लिए जाना जाता है और इस शहर से एम्स एयरपोर्ट जैसे जो ये योजनाएं हैं वो देवघर चला जाता है, ऋषिकांत दुबे उसे लेकर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर लोग जो हैं थोड़े नाराज जरूर दिखते हैं, लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, लोग लगातार चिट्ठी भी लिख रहे हैं, लेकिन पीएन सिंह का कहना है कि धनबाद में एयरपोर्ट बनना संभव नहीं है क्योंकि बंगाल के अलावा बोकारो और रांची में एयरपोर्ट है और यही कारण है कि धनबाद में एयरपोर्ट की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि यहां से पैसेंजर की जो संख्या है वो बहुत कम बताई जा रही है और जमीन की अगर हम बात करें तो जमीन भी उतनी उपलब्ध नहीं है जितनी एयरपोर्ट के लिए जमीन चाहिए। प्रकाश, मैं यहां पर आपको रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि जमीन की कमी है धनबाद में, जल जंगल और जमीन की कमी तो बिल्कुल नहीं है। चाहे आप बलियापुर प्रखंड देख ले, वहां पर येलो ड्रम है, उधर वहां पर जमीन खाली है। जमीन तो खाली है, अगर वो लाए तब तो यहां पर जमीन दी जाए। सबसे पहली बात है कि वो ला ही नहीं पाए। वो आपने इस तरीके से बताया कि बोकारो में है, तो बोकारो में तो अब जाकर बना है। धनबाद की जनता तो कब से मांग कर रही है। और आपने कहा कि यहां पर यात्री नहीं है, यहां पर IIT ISM है, BIT सिंदरी है, सिम्फर है, तमाम चीजें हैं यहां पर। जब भी जो यहां पर IIT के प्रोफेसर्स होते हैं वो बकायदा रांची आते हैं या फिर अब देवघर आते हैं, वहां से ट्रेन के माध्यम से या फिर फोर व्हीलर से धनबाद पहुंचते हैं। तो जो संस्थान की बात है तो कहीं ना कहीं ये बात तो बिल्कुल ही गलत है कि यहां पर यात्री नहीं है, लोग यहां से बड़े बड़े दूर लोग जाते हैं, तो यात्री की कमी तो धनबाद में नहीं है। देखिए एयरपोर्ट के लिए सबसे बड़ी बात जो होती है वो कनेक्टिविटी की होती है, सड़कों की होती है और किस प्रकार से चारों तरफ से सड़कें मिल जाए, ऐसे जगहों को देखा जाता है, ऐसे जगहों को चिन्हित किया जाता है। देखिए उड्डयन विभाग के ओर से जो बलियापुर की आप बात कर रहे हैं उस जगह का निरीक्षण भी किया गया, उस जगह आकर कई दिनों तक उस जमीन के बारे में जानकारी जुटाई गई, नापी की गई, लेकिन जितनी जमीन एयरपोर्ट बनाने के लिए चाहिए उतनी जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। ये कहा जा रहा था कि कुछ जमीनें जो हैं वो सरकार की जरूर है, राज्य सरकार की जरूर है, केंद्र सरकार की जरूर है, लेकिन उतनी जमीन नहीं है जितनी जमीन उन्हें चाहिए एयरपोर्ट बनाने को लेकर। तो यही कारण है कि एयरपोर्ट का मामला जो है वो अब भी फंसा हुआ है और इसी को लेकर लोग पीएन सिंह को ट्रोल भी कर रहे हैं। एम्स की बात करें तो एम्स जो है वो देवघर चला गया, धनबाद की बात करें तो धनबाद का एकमात्र सदर अस्पताल है जिसकी भी स्थिति अच्छी नहीं है, उस पर भी लोग उस पर भी कमेंट कर रहे हैं कि अरे एम्स तो चला गया है सांसद महोदय, लेकिन जो धनबाद के धरोहर हैं, धनबाद में MMCH है, उसकी कम से कम अच्छी से देखभाल किया जाए, उनमें जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा मिल पाए, क्योंकि इस एक धनबाद का एकमात्र सरकारी अस्पताल है जो सबसे बड़े सरकारी अस्पताल आप कह सकते हैं, जिसमें ना केवल धनबाद बल्कि गिरिडीह, हजारीबाग और बंगाल से भी, जो बंगाल के सटे हुए इलाका है वहां से भी ये जो मरीज हैं वो आते हैं, इलाज कराते हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि कम से कम इन अस्पतालों को भी दुरुस्त किया जाए। देखिए अगर हम धनबाद की बात करें, धनबाद की भौगोलिक स्थिति की बात करें, तो धनबाद में जल जंगल जमीन की आपने बात की, लेकिन इस जल जंगल जमीन को बचाने के लिए किसी की ओर से प्रयास नहीं किया गया है। आज स्थिति यह है कि बड़े बड़े अपार्टमेंट तो बन जा रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो जा रही है, लेकिन पर्यावरण पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और यही कारण है कि लोग अब धनबाद से पलायन करने के मूड में हैं। लोग अब धनबाद से पलायन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जो सुविधा धनबाद में पहले मिलती थी, जो शुद्ध हवा लोगों तक पहुंच पाती थी, वो अब धनबाद में नहीं मिल रही है क्योंकि प्रदूषण का मात्रा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस लोकसभा चुनाव में कई सारे मुद्दे ऐसे होंगे जो आम जनता से जुड़ा हुआ होगा, आम जनता को लेकर होगा, तो कहीं ना कहीं इस जो लोकसभा सीट है तो उस सीट पर भी इस प्रकार के कोतहल का विषय बना हुआ कि इस बार किनको टिकट दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पीएन सिंह के ओर से किसी भी प्रकार का विशेष कार्य नहीं किए जाने से लोग जो नाराज हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी नाराजगी को देखते हुए हो सकता है कि पीएन सिंह का टिकट कट सकता है, किसी अन्य प्रत्याशियों को धनबाद से उतारा जा सकता है, किसी नए चेहरे के साथ बीजेपी लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। तो ऐसे में कांग्रेस मान रही है और कांग्रेस ने जिस प्रकार से अन्य राज्यों में, प्रदेशों में जो बीजेपी से नाराज हैं, जो बीजेपी के नाराज लोग हैं जो बीजेपी छोड़कर आ रहे हैं, कांग्रेस उन्हें अपने पाले में लाकर उन्हें लोकसभा के टिकट दे रही है और जीत का दम भर रही है, तो इसलिए कांग्रेस भी
शांति बनाए हुए हैं। कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट जारी नहीं की है, यही कारण है कि अभी भी धनबाद में लोकसभा चुनाव का जो कोतहल का विषय है वो बरकरार है। कौन होगा प्रत्याशी ये लोग जानने के लिए उत्सुक है और लगातार अपने नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। चाय दुकानों पर चर्चा हो रही है, अखबार के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि धनबाद का अगला प्रत्याशी कौन होगा। प्रकाश, यहाँ पर और एक दिलचस्प बात है, आपने जिस तरीके से कहा कि बीजेपी इसे टिकट नहीं दे रही है, उसे कांग्रेस अपने पाले में ला रही है और टिकट दे रही है, तो क्या कांग्रेस के पास अपने चेहरे नहीं है? जो बीजेपी के छोड़े हुए नेता जिसे बीजेपी टिकट नहीं दे रही है उसे अपना चेहरा बना रहे, इससे साफ तौर पर दिख रहा है कि विपक्ष जो है कांग्रेस कितनी कमजोर है कि बीजेपी के छोड़े हुए नेता को वो अपने में टिकट दे रही है। जी आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए ये जिस प्रकार से ये चर्चाएं हो रही है ये कोई आम बात नहीं है। देखिए जिस प्रकार से बीजेपी के नाराज जो नेता हैं, एमपी हैं, जिन्हें टिकट काट दिया गया, जिन्हें टिकट नहीं दिया गया है, कांग्रेस के दूसरे लिस्ट में उन लोगों का नाम जोड़ा गया है, उन लोगों को टिकट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से टिकट बांटे जा रहे हैं कांग्रेस के ओर से और हर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जा रहा, युवा चेहराओं पर भरोसा जताया जा रहा है, पुराने नेताओं पर भरोसा जताया जा रहा है, तो एक मिली जुली जो कह सकते हैं कि टीम जो है वो कांग्रेस इस बार तैयार कर रही है और इस बार लोकसभा चुनाव में वो मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रही है। देखिए जो गलती कांग्रेस ने कर चुकी है, जो कांग्रेस के द्वारा की गई है, उस गलती को कांग्रेस दोहराना नहीं चाहती है। कांग्रेस अब फूक फूक कर कदम रख रही है। बीजेपी के ओर से 153 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है, लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो अभी सिर्फ 2 लिस्ट उन्होंने जारी किया है और 83 से 84 उम्मीदवारों की ही लिस्ट अभी तक सामने आ पाई है और ऐसे लोगों को उन्होंने टिकट दिया है जो जीत का। प्रकाश ये तो बात हो गई राजनीति की, राजनीतिक गलियारे में क्या चल रहा है, लेकिन रमजान का जो है पाक महीना चल रहा है और ये चीज देखी जा रही है कि जो फलों की जो कीमत है उसमें लगातार जो है बढ़ोतरी हो गई। हर साल देखा जाता है जैसे ही रमजान का जो पाक महीना आता है फलों की कीमत लगातार बढ़ जाती है, इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि बाजारों में जो फलों की कीमत है वो बढ़ गई है। जी अनिकेत आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि रमजान का पाक महीना रोजा जो है वो प्रारंभ हो चुका है और रोजा में फलों का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि शाम में जब रोजेदार रोजा खोलते हैं तो वो फलों का सेवन करते हैं और ऐसे में अगर हम फलों की बात करें तो फलों के कीमतों में काफी उछाल आई है और जिसे लेकर रोजेदार काफी परेशान है, उदास नाराज दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही फलों की दाम जो है वो बहुत कम था, लेकिन रोजा शुरू होते ही हर फलों की कीमत में 50 से 60 रुपये की उछाल आ गई है, जिसे लेकर रोजेदार काफी हंगामा भी कर रहे हैं, दुकानों पे जा रहे हैं। उनका कहना है कि अरे कल तो हमने यहाँ से 100 रुपया किलो ही अंगूर खरीदा था, आज 140 रुपये कैसे हो गया? तो उनका कहना है कि बाजारों में जो मंडियों में फल आ रहा है वो काफी महंगा आ रहा है, इसलिए जो खुदरा बाजार है वहाँ फल पहुँचते पहुँचते और भी महंगा हो जा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि दाम घटे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। लगातार महंगाई की मार जो है वो आम जनता पे पड़ रही है और आम जनता के त्योहारों पे महंगाई का मार देखने को भी मिल रहा है। जी अनिकेत, प्रकाश जिस तरीके से कल जो अगर 80 रुपए मिल रहे थे आज वो 120 रुपए हो गए हैं, तो लाजमी सी बात है कि जो बिक्री है वो बढ़ गई है, जिस कारण से कहना है जो फल दुकानदार है या जो विक्रेता है कि दामों में बढ़ोतरी होगी। हर साल ये देखा जाता है कि जैसे ही रमजान का महीना आता है लोग अधिक मात्रा में फलों की खरीदारी करते हैं, तो साफ तौर सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि जो खरीदारों की मात्रा होती है वो अधिक हो जाती है, जिस कारण से लाजमी है कि फलों का जो दाम है वो बढ़ जाता है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि रमजान के समय में फलों की बिक्री जो है वो अधिक हो जाती है, अधिक संख्या में फलों की खरीदारी होती है और ये भी एक आप एक वजह मान सकते हैं, लेकिन महंगाई के मार जो है बाजारों में दिख रही है और जो लोग पहले अपने परिवार के लिए 1 किलो आधा किलो फल लेकर जाते थे, अंगूर लेकर जाते थे, वो अब 1 पाव लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि महंगाई बहुत अधिक है और महंगाई होने के कारण परिवार का जो डिमांड है उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रोजा तो खोलना ही है, शाम को फलों का सेवन करना है, तो ऐसे में वो कम फल लेकर अपने घर जा रहे हैं ताकि रमजान के महीने में किसी भी प्रकार से उन्हें परिवार का मेंटेन जो है वो करना है, फल लेकर जाना है, तो ऐसे में कम फल लेकर वो अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, रोजा खोल रहे हैं। अनिकेत अगर हम बात करें धनबाद नगर निगम, क्योंकि धनबाद नगर निगम की बात करना बहुत ही जरूरी है। देखिए धनबाद नगर निगम के ओर से
200 से अधिक रोड और नाली बननी है, जिस पर यह माना जा रहा है कि आचार संहिता का असर जो है वो पड़ सकता है। से कोयलांचल में जल जमाव होता है, नालियों का जो जाम होना है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि नगर निगम के ओर से जो योजनाएं निकाली गई है 200 से अधिक नाली और ड्रेन का निर्माण करने का, साथ ही साथ जल जमाव को दूर करने का, तो उस पे हो सकता है कि ग्रहण लग सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का जैसे ही ऐलान कर दिया जाएगा, अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा, इसके बाद विकास कार्य जो है वो पूरी तरह से ठप हो जाएगा। तो विकास कार्य ठप होने के अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस बार भी धनबाद वासियों को हो सकता है कि बरसात के समय में राहत नहीं मिलेगी, जो जल जमाव की समस्या है वो बरकरार रहेगी, नालियों का काम नहीं हो पाएगा। कल झरिया के विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह की ओर से लगभग 10 करोड़ भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले कल जिस प्रकार से 157 योजनाओं का उद्घाटन किया गया है उस पर भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं ग्रहण लग सकता है, और क्योंकि लोकसभा चुनाव में तारीख नजदीक आ चुकी है, कभी भी ऐलान हो सकता है, कभी भी अधिसूचना जारी हो सकता है, प्रजा संहिता के आधार पर कार्य नहीं होंगे, तो ये माना जा रहा है कि उसके बाद जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो कार्य शुरू होंगे। इससे पहले ही इसका उद्घाटन कर दिया गया है, शिलान्यास कर दिया गया है, तो जो कार्य है वो तो बिल्कुल अब धीमी गति से क्या कह सकते हैं कि पूरी तरह से विराम लग जाएगा, रोक लग जाएगा, और विकास कार्य जो है वो अब कोयलांचल में देखने को आपको नहीं मिलेगा। जी प्रकाश, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया कि आचार संहिता लग जाएगा, जो भी योजनाओं का शिलान्यास किया गया है वो पूरी तरीके से ठप पड़ जाएगा, और जब तक चुनाव नहीं हो जाते, नतीजे नहीं आ जाते, नई सरकार नहीं बजाई, तब तक जो विकास कार्य है वो बाधित रह जाएंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।